जी क्या क्या ये? सर जैसे आज आप सबको पता ही हम वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, तो हमारे कुछ बच्चों ने पेंटिंग के जरिए वो चीज दिखाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले आप यहीं से अगर स्टार्ट करेंगे, ये साहिल अकबर, साहिल क्लास नाइन है, इसने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है। एक तो वाटर प्रिजर्वेशन की भी बात है और एनवायरमेंट प्लांटेशन के लिए भी बहुत अच्छा। और नेक्स्ट है हमारी फौजिया बानो, अलेवंथ। कौन है फौजिया अलेवंथ? अच्छी कोशिश है इनकी। कौन है ये जो हमारा लाइफ साइकिल एक्वेटिक वे ने कोशिश किया बनाने की? ये आगे जी हमारे, उसके बाद हमारे इन बच्चों ने नाम नहीं लिखा है जी। बड़ा खूबसूरत ही बनाया, जिसने भी बनाया बहुत खूबसूरत है। ये भी अंधा बना हुआ है। उसके बाद ये है साबिर जावेद, बहुत अच्छे। ये भी आगे की हमारी सेव वाटर से, एक बार सब बच्चों के लिए जोरदार पानी। नहीं है जिस पर लाइफ ना हो, वो चाहे माइक्रोब्स हो, बैक्टीरिया हो, वायरसेस हो, वो चाहे हानिकारक बैक्टीरिया हो, फायदेमंद बैक्टीरिया हो, प्लांट्स हो, फंगी हो, कोई भी चीज हो, वो सारी की सारी चीजें जिंदगी यहाँ मौजूद है हर इंच पे। मेरा ये हाथ आपको नजर आ रहा है, अगर आप इसको किसी माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखेंगे तो इस पर भी आपको अपने हाथ पे भी हजारों तरह के जरासीम जो मिल जाएंगे, यानी कि जो भी जिंदगी की एक शक्ल है। तो उस जिंदगी को खत्म करने में ये प्लास्टिक हमें नुकसान पहुंचा रहा है। आपके हाथों में मैं देख रहा हूं कुछ बच्चों के पास अभी भी नोटबुक्स हैं। बच्चे हमारी जितनी भी नोटबुक्स आजकल आ रही है ना, इन पे अगर आप बैक साइड पे देखेंगे तो 3R लिखे होते हैं। हर किसी भी नोटबुक को अगर आपके पास है आज भी उठा के देख लें, RRR, इस तरह कभी कभी वो गोल दायरे में 3R लिखे होते हैं। उनका मतलब क्या है? ना तो कभी आपने पढ़ा, ना कभी गौर किया। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं आपको बता देता हूं, थोड़ी देर बाद आप उस पर पढ़िएगा वो 3 R's क्या है। पहला R है रिड्यूस, दूसरा R है रीयूज, और तीसरा R है रिसाइकल। ये क्या रिड्यूस कर, उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हम अपने लेवल पे गवर्नमेंट को एक तरफ छोड़ते हुए, डिपार्टमेंट्स को एक तरफ छोड़ते हुए, कि हम खुद भी, जैसे आजकल तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं, हमारा जो MG नरेगा है तो उसमें गवर्नमेंट ने रखा हुआ है कि आप अपने ही ज़मीन को प्रोटेक्ट करें, उसके आगे बंद बनाएं, उसको बहने से, उसको इरोड होने से आप बचाएं, तो उसके लिए आपको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी शायद कहीं हमारा ध्यान उस जगह तक नहीं पहुँचा है। और उसके अलावा कि अगर वो भी ना देते हों तो हमसे, हमें कम से कम कि जिस ज़मीन से हम अपने लिए फसलें उगाते हैं उसको खुद ही अगर कहीं सब सफ़र करते हैं, मतलब मेजोरिटी पॉपुलेशन जो है वो एयर रिलेटेड डिजीज से सफर कर रही है, तो हम भी तो सफर करेंगे, लेकिन आने वाली जनरेशन के लिए हम बड़ी मुसीबत खड़ी करके जाएंगे। तो इसलिए आपके साथ बात करने का मकसद ही यही है कि आप लोग अवेयर हो, आप लोग जाके घर में बात करोगे और आप इस चीज को समझोगे और इस अर्थ को, इस जमीन को, इस धरती माँ को। आज ये सारी दुनिया के साथ साथ मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साजिया में भी वर्ल्ड अर्थ डे की सेलिब्रेशन की गई। इस प्रोग्राम का मकसद पूरी दुनिया की तरह हमारे यहाँ भी यही रहा कि बच्चों में और आने वाली जनरेशन में ये अवेयरनेस पैदा की जाए कि हमारा प्लेनेट अर्थ, उसकी क्या नीड्स हैं और किस तरीके से हम उसको महफूज रख के अपनी आने वाली जनरेशन तक पहुँचा सकते हैं। इस सिलसिले में 2 इवेंट्स हुए, एक तो पेंटिंग कम्पिटिशन हुआ, हमारे कुछ 47 के करीब बच्चों ने डिफरेंट पेंटिंग्स सेव वाटर सेव अर्थ की थीम पे बनाई और उनका डिस्प्ले भी किया गया और सारे स्टाफ ने उन पेंटिंग्स को देखा, बाकी बच्चों ने देखा और जिन लोगों ने इन पेंटिंग्स को बनाया था उनको अप्रिशिएट किया गया। उसके अलावा एक सेमिनार हुआ जिसमें बच्चों ने भी इस थीम पे बोला और हमारे जो लेक्चरर इन ज्योग्राफी हैं मोहम्मद आरिफ मलिक साहब, उन्होंने डिटेल से इस चीज़ की इम्पॉर्टेंस के हवाले से बात की। और आखिर में मैंने भी बच्चों से बात करते हुए उनको जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसके यूज़ को मिनिमाइज करने बल्कि रिफ्यूज़ करने की जरूरत पर जोर दिया। और उम्मीद है कि ये जो मैसेज हमारा है वो बच्चे घर घर तक पहुंचाएंगे और अपने इस प्लेनेट अर्थ को हम सेव रखने के लिए पूरी कोशिश करते रहेंगे।